आप सभी को नमस्कार। एनएन न्यूज प्राइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 25 मई को दिल्ली में मतदान है, इसको लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस कर्मियों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के हथियारबंद जवान भी शामिल है। चाहे वह सेंट्रल दिल्ली का जामा मस्जिद वाला क्षेत्र हो, उत्तरी दिल्ली का बाड़ा हिंदुरा, पश्चिमी दिल्ली का ख्याला, उत्तम नगर, तिलक नगर या साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली का अंबेडकर नगर, संगम विहार इत्यादि वाला क्षेत्र, कांस्टेबल से लेकर डीसीपी, जॉइंट सीपी और स्पेशल पुलिस कमिश्नर तक सड़क पर उतर चुके हैं। आइए दिखाते हैं पुलिस अलर्टनेस की कुछ तस्वीरें। पहली तस्वीर है साउथ दिल्ली इलाके की, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह स्पेशल पुलिस कमिश्नर मधुप तिवारी, जॉइंट पुलिस कमिश्नर एसके जैन, डीसीपी अंकित चौहान, राजेश देव इलाके में पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर यह है पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग थाना इलाकों की, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह अलग अलग क्षेत्र में पुलिसकर्मी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं, तो वहीं मेन रोड पर भी मेट्रो पिलर के नीचे फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़े पुलिस कर्मियों की टीम को देखकर। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव, लाहौरी गेट, तिमारपुर, गुलाबी बाग, सब्जी मंडी, सिविल लाइन और वजीराबाद आदि थाना इलाकों की। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी अलग अलग इलाकों में रात में भी ग्रुप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इलाके में फ्लैग मार्च कर लोगों के बीच से गुजर रहे हैं, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास बढ़े और वह स्वतंत्र निष्पक्ष होकर 25 मई को मतदान कर सकें। आइए सुनते हैं दिल्ली पुलिस के साउदर्न रेंज के जॉइंट कमिश्नर एस के जैन का क्या कहना है उनका फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग को लेकर। वोट डलेगा तो इसी की सुरक्षा के इंतजाम के लिए कि मुस्तैदी से किसी को कोई डर ना हो, भय ना हो, किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट, अल्योरमेंट या जो शिकायत आती है इलेक्शन से पहले, खासकर 48 आवर्स वोटिंग से पहले, कि कोई मतदाता को डराना, धमकाना या प्रलोभन देना वो ना हो, इसी के मद्देनज़र हम फ्लैग मार्च, फुट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं एरिया में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कि लोगों को ट्रस्ट हो कि पुलिस मुस्तैदी से चौकस है और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हर ऑफिसर ग्राउंड पर रहेगा और हम हर बूथ का मुआयना करके कि यहाँ सुरक्षा के पूरे पर्याप्त इंतजाम है, पोलिंग पार्टीज और पुलिस पार्टी के रहने के पर्याप्त व्यवस्था है, अंदर जो मिनिमम एमिनिटीज देनी है, पानी, टॉयलेट, वो सबकी व्यवस्था ठीक है, उस सबकी भी यहाँ पे दोबारा जाँच हो रही है और मेन पर्पज है कि लोग अपना निर्भय होकर अपना वोट डालें फ्री एंड फेयर तरीके से और पोल प्रोसेस को पूरी तरह से सिक्योरिटी मिले, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए आज हर एरिया में अलग अलग तरीके से फुट मार्च और एरिया पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में होने वाली अलग अलग गतिविधियों को लेकर हम आपको आगे भी अपडेट जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए एनएन न्यूज।